साथी, बड़े सम्मानित साथी, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अपना भी एक बार स्वागत करें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तो गौरव सम्मान है, उसमें शामिल होने के लिए आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए मुश्ताक जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज जब संविधान का वो दौर चल रहा है कि संवैधानिक मूल्य खतरे में है, संविधान बचाने की बात चल रही है, तो इस गौरव सम्मान और संविधान की चर्चा में आप सब लोग अपना जो योगदान दे रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। जब बात संविधान की चल रही है तो डॉक्टर हरिओम पवार की एक कविता मैं आपके सामने कहूंगा। मैं भारत का संविधान लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुरु हूं, बाबा भीम राव का मन हूं, बाबा भीम राव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का अभिनंदन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं, मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन कंदन करता है जब कोई भूखा मरता है, मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। साथियों, जब आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, एक हमारे साथी ने यहाँ पर आपातकाल की भी घटना याद दिलाई, लेकिन आज जो देश के अंदर हो रहा है, हमने रोहित नरमुला देखा, हमने सोलंकी देखा, हमने तमाम ऐसी घटनाएं देखी जो देश के अंदर उस वर्ग को, उस वर्ग के साथ शोषण करने का काम कर रही है जो सदियों से शोषण होते हुए आए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर आज अगर आप कह रहे हैं कि भागीदारी की, तो आप देखिए भागीदारी किन लोगों के हाथ में है। जो लोग आपको गांव गलियों कूचों में पानी तक नहीं पिलाते थे, आज जब वो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या वो आपको नौकरी देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऊंचे पदों पर जो आईएएस आईपीएस तमाम ऐसे उच्च पद हैं, जो केंद्रीय सचिवालय में तमाम जो पद है, वो सिर्फ तब कुछ लोगों के, कुछ उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में है। जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जिन्होंने दलित समाज से लेकर तमाम समाज की लड़ाई देश के अंदर लड़ी, लेकिन आज जब उनको सम्मान देने की बात आती है, आज जब उनको गौरव सम्मान देने की बात आती है, तो हम कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असली संविधान यही है, असली सम्मान यही है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करें, भागीदारी निश्चित करें, हमारा प्रतिनिधि निश्चित करें कि आज देश के अंदर कोई लड़ रहा है, तमाम जो एक्टिविस्ट, तमाम जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नेता, तमाम जो जमीनी कार्यकर्ता लेकर जो देश के अंदर लड़ रहे हैं, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संविधान बचाने के लिए आज आप सब लोग किसी चर्चा में शामिल हुए, सभी को एक बार फिर से वंदन अभिनंदन, जय भीम जय भारत।